झाबुआ शहर में स्थित श्री वाड़ी हनुमान मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना है। कहते हैं यहां प्रतिमा खुद प्रकट हुई थी, जहां बावड़ी होने से कई लोग पानी भरने आते थे। पहले यहां भगवान को एक ओटले पर स्थापित किया गया, फिर धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप दिया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार 2011 से शुरू हुआ, जो 2015 में पूर्ण हुआ। आज यहां 3 दिवसीय शिखर कलश प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत चल समारोह के साथ हुई। चल समारोह में महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। महिलाओं ने सर पर कलश रखकर गरबा नृत्य किया, पुरुषों ने राम जी हनुमान जी के भजन गाते हुए जयकारे लगाए। चल समारोह हनुमान मंदिर से झाबुआ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस वाड़ी हनुमान मंदिर पहुंचा। यहां हनुमान जी की आरती की गई, हनुमान चालीसा पाठ किया गया, भक्तों ने नाच गाकर भगवान को अपने भाव प्रकट किए। इसके पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया और हवन की शुरुआत की गई। आज शाम को 8 बजे से अखंड रामायण जी का पाठ शुरू होगा, जो कल शाम तक चलेगा। परसों विधि विधान के साथ शिखर कलश की स्थापना की जाएगी, उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। समिति के गोपाल नीमा ने सभी भक्तजनों को वाड़ी हनुमान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लेने का निवेदन किया। समारोह में 400 से अधिक राम भक्त परिवार ने शिखर कलश प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सहयोग प्रदान किया। 3 दिवसीय आयोजन में भजन मंडली द्वारा भक्तिमय सुमधुर भजन की प्रस्तुति दी जाएगी। आज चल समारोह से पूरे झाबुआ नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नीचे वाले गलत सब बन जाएगा।